डिस्ट्रिक्ट न्यूज के साथ मैं हूं हफ्सा मिन्हा। सबसे पहले नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। 4 सदा में पेशी पर अदालत आने वाली खातून को शौहर ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। खैरपुर में एसएसपी को तकरीब में शिरकत के बाद वापसी पर प्रोटोकॉल न मिल सका, मोबाइल वैन ने जवाब दे दिया और पुलिस एहलकार धक्का लगाते रह गए। गुजरांवाला में बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात न दिए जाने पर यूनियन काउंसिलर के चेयरमैन ने कमिश्नर ऑफिस के बाहर नान टिक्की की रेड़ी लगा ली। राजनपुर के इलाका पच्छाद के मकीनों को पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए जापान के तआवुन से 9 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तामीर। और बिहाड़ी में बल्दियाती नुमाइंदों को जदीद टेक्नोलॉजी से आगाह करने के लिए कन्वेंशन का अहवाल भी आप डिस्ट्रिक्ट न्यूज में जान सकते हैं। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करते हैं 4 सदा से एहसान शेरपाव की रिपोर्ट। पेशी पर अदालत आने वाली खातून को शौहर ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। खातून ने अदालत में खुला के लिए केस दायर कर रखा था। वो पेशी के बाद वापस जा रही थी कि उसके शौहर शौकत ने फायरिंग करके उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुलजिम को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया है। खैरपुर से सलीम रजा शेख की रिपोर्ट। एसएसपी गुलाम असफर महीसर को गंबट अस्पताल की तकरीब में शिरकत के बाद वापसी पर प्रोटोकॉल न मिल सका, मोबाइल वैन ने जवाब दे दिया और पुलिस एहलकार उसको धक्का लगाते रह गए और मीडिया से वीडियो न बनाने की मिन्नत समाजत करते रहे। पुलिस एहलकार ने बताया कि खैरपुर पुलिस के पास गश्त के लिए मौजूद गाड़ियां नाकारा हो चुकी हैं, गाड़ियों की मुरम्मत होती है और न मोबाइल वैन के लिए फ्यूल मिलता है। हंगामी सूरत हाल में गाड़ियां इस्तेमाल के काबिल नहीं है। और अब शामिल करेंगे गुजरांवाला से शबीर मुगल की रिपोर्ट। बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात न दिए जाने पर यूनियन काउंसिल के चेयरमैन ने कमिश्नर ऑफिस के बाहर नान टिक्की की रेड़ी लगाकर अनोखा एहतजाज किया। ख्याली की यूनियन काउंसिल 34 से मुंतखब होने वाले चेयरमैन यहिया बट ने दीगर बल्दियाती नुमाइंदों के साथ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुजाहिरीन ने कमिश्नर ऑफिस के बाहर सूबाई हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। उनका कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात को कई माह हो चुके हैं लेकिन इसके बावजूद मुंतखब नुमाइंदों को इख्तियारात नहीं दिए गए जिससे उनकी सियासी साख मुतासर हो रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात दिए जाएं ताकि वो अपने इलाकों के मसाइल हल करवाने के लिए किरदार अदा कर सकें। राजनपुर से मुजाहिद हुसैन दरीशा की रिपोर्ट। संगतानी विमेन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जापान के तआवुन से इलाका पच्छाद के मकीनों के लिए 9 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तामीर कर दिए हैं। प्लांट्स का इफ्तिताह डीसीओ चौधरी जहूर हुसैन ने किया। अहले इलाका ने डीसीओ का शानदार इस्तकबाल किया और बलोची रिवायत के मुताबिक उन्हें पगड़ी पहनाई। तंजीम के कोऑर्डिनेटर सप्तैन खान जस्कानी ने बताया कि इब्तदाई तौर पर साफ पानी की यह सहूलत 9 बस्तियों में मुहैया की गई है जिससे 4000 अफराद मुस्तफीद होंगे। डीसीओ ने समाजी तंजीम की खिदमात को सराहते हुए कहा कि साफ पानी की फराहमी के लिए दीगर इलाकों में भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तामीर होने चाहिए। शुरका को बताया गया कि पच्छाद का जेरे जमीन पानी कड़वा और नाकाबिले इस्तेमाल होने की वजह से मकीन पीने के लिए तालाबों और जोहड़ों का गंदा पानी इस्तेमाल करते हैं जिससे वो बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। विहाड़ी में लोकल काउंसिल्स एसोसिएशन के जेर एहतमाम बल्दियाती नुमाइंदों को जदीद टेक्नोलॉजी से मुतालिक आगाह करने के लिए कन्वेंशन हुआ जिसमें लोधरा खानीवाल और मुल्तान से चेयरमैन और काउंसलर्स ने शिरकत की। अवामी नुमाइंदों ने पंजाब हुकूमत से इख्तियारात देने का मुतालबा किया। मजीद बता रहे हैं विहाड़ी से शाहिद परवेज चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में। टेक्नोलॉजी के तमाम तकाजे पूरे करते हुए मकामी सतह पर अवाम के मसाइल की बरवक्त निशानदेही की जा सकेगी और इसके मसाइल के हल के लिए मकामी सतह के नुमाइंदे बरवक्त हल करके इलाके की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इन ख्यालात का आज़हार सैयद असगर शाह गिलानी सदर लोकल काउंसिल एसोसिएशन के डिजिटल काउंसिल कन्वेंशन विहाड़ी में 9 मुंतखब नुमाइंदों से किया। उन्होंने कहा कि मकामी सतह के नुमाइंदे निचली सतह के मसाइल के हल के लिए बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। लोकल बॉडीज के इलेक्शन को तकमील तक पहुँचाएँ ताकि ये लोग अपने
ہاؤسز کو مکمل کر سکے اور اپنے لوگوں کے علاقوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کم از کم جو اختیارات ملیں گے انہیں استعمال کر سکے۔ محمد عمر پروجیکٹ مینیجر نے کہا کہ سافٹ ویئر کی تیاری کے بعد مقامی حکومتوں کی نو منتخب نمائندوں کی باقاعدہ ٹریننگ دی جائے گی، جس سے مقامی سطح پر لوگوں کے مسائل کو بہتر طور پر سمجھ کر ان کے حل کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں گے۔ لوکل کونسل ایسوسی ایشن نے ہمیشہ مقامی نمائندوں کو تربیت مسائل کے حل کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ ڈیجیٹل لوکل کونسل کی تکمیل اپنے جو 70-80% تک مکمل ہو چکی ہے اور انشاءاللہ آنے والے چند ایک مہینوں میں یہ مکمل ہو جائے گا۔ چیئرمین یوسی زاہد اقبال چودھری نے کہا کہ منتخب بلدیاتی نمائندوں کو اختیار نہ دینا ان کے ساتھ سراسر زیادتی ہے، حکومت جلد اختیارات سونپے تاکہ نچلی سطح پر عوام کو ریلیف مل سکے۔ ان اداروں کو فعال نہ کیا جانا بھی حکومتی عدم توجہی ہے۔ اس سلسلے میں نہ صرف حکومت کو بلکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پر آنا چاہیے۔ کنونشن میں رانا فخر اسلام وہاری، انجینئر نصرت خان ملتان، میاں سجاد حسین خانےوال، سعید خان لودرا، حاجی محمد رفیق، رانا بابر منظور دگل سمیت نو منتخب بلدیاتی نمائندوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شاد پرویز چودھری، اے نیوز وہاڑی۔ ڈسٹرکٹ نیوز سے اب تک اتنا ہی، اور اب اے ٹی وی کی لائیو نشریات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ atv.com.tk۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔